पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज मुझे मुरादाबाद मंडल की समीक्षा यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं प्रातः ही मैं यहाँ आ गया था। मुरादाबाद मंडल के जनपद मुरादाबाद की यहाँ पे फिजिकली शेष बिजनौर संभल अमरोहा और रामपुर वर्चुअली समीक्षा बैठक के साथ जुड़े थे। मुझे प्रसन्नता है कि शासन की योजना को प्रभावी ढंग से जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पांचों जनपदों में प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य प्रशासन ने किया है। शासन की जो योजनाएं हैं, खासतौर पर डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह आज सार्थक परिणाम यहाँ पर दे रहे हैं। एक उदाहरण उसके लिए पर्याप्त है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो अभिनव योजना हम लोगों ने 2018 में प्रारंभ की थी, 2017 तक अगर मुरादाबाद जनपद की ही मैं बात करूं, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इस जनपद में जो परंपरागत MSME था वह एक प्रकार से लोग उससे पूरी तरह हट से गए थे। लोगों में निराशा थी, हताशा थी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य विभागों की तमाम बंदिशों के कारण यहाँ से पलायन हो रहा था। सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज उसके परिणाम बहुत अच्छे ढंग से सामने आए हैं। 2017 तक इस जनपद में 4,500 का ही एक्सपोर्ट पीतल की जो प्रोडक्ट थे उनका हो पाता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि COVID-19 के बावजूद 2.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, उस सब के बावजूद मुरादाबाद का एक्सपोर्ट आज 10,000 करोड़ रुपए पार करने जा रहा है। यानी ये चीज़ें दिखाती हैं कि हम सही दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो या फिर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य शिक्षा कृषि एग्रीकल्चर और अन्य तमाम फील्ड में कार्य करने का, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके जो अभिनव प्रयोग हुए हैं आज हमने उसको भी यहाँ पर देखा है। इसके साथ ही मध्य गंगा नहर परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लाइन और जहाँ जिला मुख्यालय नहीं बन पाए हैं उनको भी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश में उन तमाम संभावनाओं को तलाशना जो यहाँ पर निवेश और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकें, इसके बारे में भी बहुत विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई है। और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें रुचि ली और प्रशासन पूरी युद्ध स्तर पर लग करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जो शासन की है सफलतापूर्वक यहाँ पर उसका क्रियान्वयन हो रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम इधर शासन ने उपलब्ध करवाए थे, अवैध टैक्सी स्टैंड को हटाना, धर्मस्थलों से माइक को उतरना, नशा के खिलाफ चलना विशेष अभियान, इसी क्रम में है। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। अभी मैं यहाँ की कुछ परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भूपेन्द्र चौधरी जी भी, जो इसी जनपद के निवासी भी हैं और विधान परिषद के माननीय सदस्य भी हैं, साथ साथ मंत्री समूह भी यहाँ पर आया हुआ है। मंत्री समूह
कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी के अध्यक्षता में यहाँ पर पहले से ही योजनाओं का निरीक्षण कर रहा है, अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाया है। उनके साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी हैं, उनके साथ गन्ना विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री संजय गंगवार जी भी हैं। ये सभी लोग इस कमिश्नरी में अगले कुछ दिन भ्रमण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, फिर अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करवाएंगे। विकास संबंधी कुछ प्रोजेक्ट के प्रस्ताव भी यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं, शासन प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। हमने हर जनपद में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने, रोजगार सृजन को इसके माध्यम से प्रोत्साहित करने, स्वतः रोजगार के माध्यम से जनपद के सीडी रेशियो को बेहतर करने की दिशा में भी आवश्यक निर्देश दिए हैं और साथ साथ जिला उद्योग बंधुओं के साथ नियमित संवाद बनाने के साथ साथ हर एक विभाग के लिए भी टारगेट तय किए हैं निवेश के लिए कि वे भी जनपद स्तर पर हर एक जनपद में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। आज मुझे यही सब कहना था। अभी निरीक्षण के कुछ कार्यक्रम हमारे होने जा रहे हैं, उस निरीक्षण के बाद फिर अपराहन में मुझे बिजनौर जनपद के दौरे पे भी जाना है। बिजनौर जनपद के भी कार्यक्रमों को इसी क्रम में आगे बढ़ाने का कार्य। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।